356 ईसा पूर्व आज ही के दिन सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर ने 16 वर्ष की उम्र तक अरस्तु से ज्ञान हासिल किया। अपना 30वां जन्मदिन मनाने तक सिकंदर ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जिसका विस्तार भूमध्य सागर से लेकर हिमालय तक था। जंग के मैदान में सिकंदर को कोई हरा नहीं सका और इतिहास इस वजह से सिकंदर को सबसे सफल कमांडर मानता है। सिकंदर ने अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद मैसेडोनिया की गद्दी संभाली और विरासत में उन्हें एक मजबूत साम्राज्य और अनुभवी सेना मिली थी। सिकंदर ने सेना का विस्तार करते हुए अपने पिता की योजनाओं को आगे बढ़ाया। 334 ईसा पूर्व सिकंदर ने पहला धावा बोला और फिर अगले 10 सालों तक चले विजय अभियान के पूरा होने तक उसकी सेना भारत तक जा पहुंची थी। आज भी दुनिया भर की सेनाएं सिकंदर की रणनीतियों और तौर तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। महज 32 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर की बीमारी से मौत हो गई थी। 1944 में आज एक दिन एडॉल्फ हिटलर पूर्वी एशिया के रास्टेनबर्ग स्थित अपने मुख्यालय में हुए बम विस्फोट में बाल बाल बचे थे। इस विस्फोट की जानकारी जर्मनी की न्यूज एजेंसी ने हिटलर के मुख्यालय से दी थी। इस बम प्लांट करने का आरोप कर्नल क्लॉस शेंक वॉन शाउनफेनबर्ग नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी पर लगा था। इस धमाके में हिटलर मामूली रूप से जख्मी हुए थे। उन्हें सिर में चोट लगी थी और शरीर के कुछ हिस्से भी जल गए थे। इसके बावजूद हिटलर ने इटली के नेता बेनितो मुसोलिनी से मिलने का कार्यक्रम बरकरार रखा था। यह हिटलर पर हुआ तीसरा बड़ा जानलेवा हमला था। 1949 में आज एक दिन मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म हुआ था। शाह ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में रिलीज हुई फिल्म हम पांच से की थी। फिल्म में गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीरुद्दीन के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही। 1987 में गुलजार की फिल्म इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक जरिया बनकर आई। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके बाद शाह ने दर्शकों को एक से बढ़कर एक नायाब फिल्म दी। मोहरा, मिर्जा गालिब, कर्मा, सरफरोश, इश्किया, राजनीति, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा आदि शाह की बेमिसाल फिल्में हैं। नसीरुद्दीन शाह को 3 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1960 में आज के दिन श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। प्रधानमंत्री के रूप में श्री माओ भंडार नायके ने शपथ ली थी। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने आम चुनाव में अच्छी कामयाबी हासिल करते हुए 150 में से 75 सीटें हासिल की थी। 1959 में श्री माओ भंडार नायके के पति सोलोमन भंडार नायके के एक बौद्ध चरमपंथी दल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद ही श्री माओ राजनीति में आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान बार बार फूट फूट कर रोने की वजह से उन्हें वीपिंग विडो यानी रोने वाली बेवा का नाम दिया गया था। चुनाव प्रचार में वो जनता के बीच अपने पति की सामाजिक नीतियों को जारी रखने का संकल्प दोहराती थी। और आज एक दिन 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था। तुर्की के हजारों सैनिकों ने ग्रीस की राजधानी एथेंस में चल रही बातचीत के विफल रहने के बाद यह हिंसक कदम उठाया था। भूमध्य सागरी द्वीप साइप्रस में 5 दिन पहले ही हुए एक सैन्य विद्रोह में ग्रीक मूल के राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस को पद से हटा दिया गया था। इस सैन्य विद्रोह ने तुर्की मूल के साइप्रस वासियों में यह डर पैदा कर दिया था कि ग्रीस समर्थक वाले सैनिक शासक उनके अधिकारों की अवहेलना करेंगे और साइप्रस को ग्रीस में मिलने के लिए दबाव बनाएंगे।